साथ में रही एक लंबे वक्त तक, मैं मतलब कम से कम 9 साल कंटिन्यू मैं इनके साथ रही हूँ। तो इसको पहनने में मुझे ना 1 मिनट भी नहीं लगा, और अगर अच्छे से पहनना है देखो भाई, और बिल्कुल फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी निकली हुई। साड़ी इसलिए स्टिच कर रखी क्योंकि हम लोग रहते थे आर्मी क्वार्टर में, क्योंकि होता है वेलफेयर जब भी होता था तो सुबह सुबह 9 बजे होता था, तो टाइम वैसे भी 10:30 बज चुके हैं, और हस्बैंड और बना रहे हैं गरम गरम। देखो मेरे भाई अपने गरम गरम भटूरा। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग, और अभी बज रहे हैं 10, आज है संडे, सबकी छुट्टी है, इवन हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो और डे मैं सबसे पहले उठ जाती हूँ घर में, लेकिन इकलौता एक संडे ऐसा दिन होता है जिस दिन मैं सबसे लेट में उठती हूँ और सब पहले उठ जाते हैं, तो मैं बस जस्ट अभी 10 मिनट पहले उठती हूँ, बस मुँह हाथ धो के फ्रेश होके अभी निकली हूँ बाहर, और 10:30 बज गए। ठीक है, हेलो हेलो, कौन कब कब उठा, उसको बंद करो, आवाज़ आ रही है, है? कब उठे ये भी, वो 6 बजे उठे बीबू सब उठ चुके हैं, और खा के आज ब्रेकफास्ट बन गया, क्या बना है? मुझे खुशबू आ रही थी कि क्या बना, तो भाई छोले भटूरे, ये देखो ये बन रखी है पूरी, और ये आलू की सब्जी तरीदार और चाय, तो ये सब ब्रेकफास्ट किसने बनाया इसीलिए मैं आराम से उठती हूँ संडे के दिन। अब दिन की शुरुआत होती है मेरी, तो अभी सबसे पहले उठ चुकी हूँ, पहले उठ के जो शुरुआत होती है पानी पीने से मेरी, पानी पिया जाता है, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट करूँगी, और उसके बाद फिर अपने काम पे लग जाऊँगी साफ सफाई में। नहीं तो पीने दो, उठते ही चले गए कि नाश्ता लगाता हूँ तेरे लिए, पर मैं पहले ना पानी पी लेती हूँ, फिर उसके बाद घर की साफ सफाई होगी। देखो फैल रखा बोल रहा है मैंने कितनी पूरी खाई, 5, इतने टेस्टी बनाया था पापा ने, झूठ बोल रहा है, खाई होगी 2, लेकिन मेरे को बोलने में 5 खाई हमने, 6 खाई हमने, है तेरा पेट 5 खाने लायक है? चल चुट्टे के लिए गया भाई ब्रेकफास्ट। संडे के दिन फुल मतलब ब्रेकफास्ट की छुट्टी होती है मेरी, बिल्कुल यहीं पे लगता है मुंह पे, और डे नहीं भाई, और डे मैं खुद 5 बजे उठ के बनाती हूँ, सोमवार से लेके शनिवार तक, लेकिन इतवार का दिन ऐसा होता है, ये तब से जब से मेरे हस्बैंड आए तब से, वरना संडे को भी खुद ही उठना है खुद ही बनाना है, तो हस्बैंड के आने से मतलब मुझे रेस्ट मिलता है भाई अपने गरम गरम भटूरा। चलो करते हैं ब्रेकफास्ट, टाइम वैसे भी 10:30 बज चुके हैं, और हस्बैंड और बना रहे हैं गरम गरम देखो मेरे लिए, और सब तो खा चुके हैं, निपट चुका है अपना, और सोच रही हूँ कि कल की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि कल है हम लोगों का फर्स्ट सोमवार, और सावन का तो व्रत रखेंगे और मंदिर जाएंगे, और यहाँ तो हस्बैंड भी है तो हस्बैंड के साथ जाऊँगी, तो ये है ना कि हस्बैंड ऑफिस जाने से पहले सुबह सुबह जाना पड़ेगा, मतलब 8 बजे से पहले पहले मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर उसके बाद वो ऑफिस चले जाते हैं और सीधे आएंगे 3-4 बजे, तो इससे अच्छा मैं सोच रही हूँ कि तैयारी मैं आज ही कर देती हूँ, कि साड़ी पहननी, तो साड़ी में प्रेस वगैरह तैयार कर देती हूँ, जो मतलब नॉर्मली साड़ी पहननी मुझे, ज़्यादा ऐसी नहीं कि वो ना नॉर्मल सा, क्योंकि गर्मी हो रही है तो थोड़ा सा हल्की, तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों साड़ियों में से इसको पहनूंगी कल, और इस पर कर देती हूँ प्रेस अभी, और कल के लिए तैयार कर देते हैं इसको। मैंने आपको एक बार बताया था कि मैंने जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं लगभग सारी स्टिच करी हुई हैं, ये भी बनी हुई है रेडीमेड, और मतलब ख़रीदती थी मैं सारी साड़ियाँ स्टिच करती थी, ये भी कर रखी मैंने स्टिच, ये वाली साड़ी, तो मैं साड़ी इसलिए स्टिच कर रखी क्योंकि हम लोग रहते थे आर्मी क्वार्टर में, क्योंकि आर्मी फैमिली से बिलोंग करते, तो हस्बैंड के साथ में रही एक लंबे वक्त तक मैं, मतलब कम से कम 9 साल कंटिन्यू मैं इनके साथ रही हूँ, तो क्या होता है हमारा वेलफेयर होता है, वेलफेयर जब भी होता था तो सुबह सुबह 9 बजे होता था, तो फिर मेरे को साड़ी पहननी नहीं आती थी, तो मुझे लगता था कि सुबह सुबह मैं किसके घर में जाऊँ जो साड़ी, क्योंकि उनको भी तैयार होना है, तो निकाला कि सारी साड़ियाँ ना स्टिच कर देती हूँ, पूछती थी मैं क्या रेडीमेड बन सकती, तो उन्होंने कहा बन सकती, तो लगभग चाहे कोई 200 की साड़ी होगी चाहे 2000 की, मैंने सारी साड़ियाँ सब स्टिच करी, लेकिन जब से मैं अब देहरादून आ गई हूँ 2 साल से, तब से कोई साड़ी स्टिच नहीं करी, सब ऐसी हैं, लेकिन नॉर्मली क्या होता था कि मतलब जल्दी जल्दी जाना होता था, तो फिर ये तो देखो ये है पूरी लड़ी लुड़ी यहाँ पे हुक लगे हुए हैं, ये फिर पीछे रबर लगा हुआ है, 2-4 हुक इधर लगे हुए हैं,
ये मतलब कमर का साड़ी, इसमें ये है कि जितनी कमर होगी तो दो तीन उसमें आ जाएंगे, और ये पीछे से ये है कि रबर एक खींचेगी, चाहे मोटा हो पतला कोई भी पहन सकता है। इसमें नॉर्मली क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये बस ऐसे करना है, इसको ऐसे घुमाया, मतलब 5 मिनट नहीं लगते हैं इसको पहनने में, 5 मिनट, और इजीली आप 5 मिनट में बिल्कुल रेडी हो सकते हैं। तो ये पूरी लड़िया देखो इतनी सुंदर तरीके से बनाते हैं, है ना। और जो लंबाई होती है ना, हाइट, उसको हमारी हाइट के अकॉर्डिंग करते हैं कि हम कितने लंबे हैं, बस उसी को नापते हैं। कमर तो ये कि छोटी बड़ी हो जाए दो चार कैसे, देखा मुझे ना एक मिनट भी नहीं लगा। और अगर अच्छे से पहनना है, अच्छे से मीन्स कि अच्छे से ब्लॉक ये टिप करना है इसको यहाँ पे पिन से, तो सिर्फ 2 मिनट लगेंगे साड़ी पहनने में। और देखो कितनी सुंदर तरीके से, ठीक है, एक बार मैं सीसे में दिखा देती हूँ। देखो भाई 1 मिनट भी नहीं लगा, ये देखो कितने सुंदर तरीके से इसकी फिटिंग निकाल रखी है। होता था कि जल्दी से साड़ी प्रेस करी हुई रखी हुई, पहनो और चल दो, 5 मिनट में मतलब आप तैयार होके निकल जाते थे। और मेरे साथ छोटे बच्चे थे, तो ये था भाई कि मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना है तैयार होने के लिए, क्योंकि कई लोग अच्छे से पहना भी देते, कुछ ऐसे बोलते हैं कि आ गए हमारे पास। तो इस चक्कर से मैंने सारी साड़ियाँ स्टिच इसी चक्कर से करवाई जब मैं आर्मी क्वार्टर में रहती थी। अब नहीं, अब तो टाइम ही टाइम है कि आराम से आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट साड़ी पहनो, अब नहीं इतना कोई, तो अब की साड़ियाँ नहीं है, पहले की हैं सारी। तो मैं सोच रही हूँ कल मैं इसी को पहनूंगी। बहुत दिन के बाद रात का खाना स्पेशली मैं बना रही हूँ, और मैं बना रही हूँ आज तोरी की सब्ज़ी। और हस्बैंड है ना, 3-4 दिन तोरी की सब्ज़ी जब बनाई थी हमारे लिए अलग अलग दिन, तो ये कुकर में बना देते और तरीदार, तो मेरे को नहीं आई उतनी पसंद, लेकिन मैंने कहा आज मैं खिलाती हूँ तोरी की सब्ज़ी बना के। और साथ में मैंने आज पता है क्या क्या बनाया है, अभी दिखाती हूँ। मैंने बनाए आज ये बीन्स, बड़ी बड़ी बीन्स आती है ना हमारे यहाँ बोलते सोटे, उबाल के बॉइल्ड, मैं और बीबू खाएंगे, मुझे और बीबू को बहुत पसंद है। अब मुझे अब इसको तो नहीं है, ऐसे ही खा रही है, खाएँ के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे चैनल को, जो खास कर नए हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए किसी न किसी वजह से।